जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एससीआर ने पिटीशन डाला है उसके अनुसार क्या रूल 72 का एसआईपीएफ का एग्जाम अब नहीं होगा। बहुत लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने एक कोशिश की और सारे तरीके से उसे पढ़ करके आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कुछ उस पिटीशन में दिया गया है और उस पिटीशन का क्या रिपरकशन होने वाला है, कि क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, उन सब चीज और उन सब बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे, एक कमेंट बार बार आ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो अभी कुछ लोगों में भ्रांति है कि सिलेबस में क्या आएगा, कैसे आएगा, उन सब चीजों के बारे में, उससे संबंधित भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस देखने के बाद कि आखिरकार सवाल कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि सवाल किस प्रकार के आएंगे, ये सब चीजें हम लोग देखते हुए उसमें चलेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक ऑडियो प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रहा हूँ, है कुकू एफएम, जो कि बेस्ट बुक समरी ऐप है हिंदी में। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आरपीएफ एलडीसी को इनरोल कर दिया है। तो आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके वहां पर आरपीएफ एलडीसी को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पर भी ऑडियो संबंधित, जब आप वीडियो नहीं देख पाते हैं उस समय आप ऑडियो संबंधित वहां पर चीजें कान में लगा करके, ईयरफोन लगा करके आप सुन सकते हैं, ताकि आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म करें। साथ ही साथ जब आपको एलडीसी आरपीएफ एलडीसी के ऑडियो से मन भर जाए, तो आप इस तरीके के कुछ रिच डैड पुअर डैड, इस तरह के सेल्फ हेल्प बुक्स जिसको कहते हैं मोटिवेशनल बुक्स, उससे संबंधित ये सारी चीजें आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं भी इस एफएम को हमेशा डेली आधा घंटा देता हूँ, और यह मेरी जिंदगी में बहुत तरीके की चीजें बदलाव ला रहा है। मैं बहुत नई नई चीजें सीख रहा हूँ, और वो चीजें आपको उस सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। वीडियो के डिस्कशन से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन की कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या कुछ है, तो उस डाउट में ना रहें। मेरा ये कहना है कि आप कोशिश करते रहिए, आपको लक्ष्य में आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अगर नहीं हो पाता है एग्जाम, तो आपको जो चीजें डिपार्टमेंट के बारे में सीख लेंगे वो आपको जीवन भर काम आएगी, और कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह काम जरूर आएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पिटीशन, जो पिटीशन साउथ सेंट्रल रेलवे ने डाला था, उस पिटीशन का ये कंटेंट मैंने लिया है, और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है, और हाईलाइटेड चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पिटीशन डाला आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत ये पिटीशन डाला गया। तो आप समझ जाइए कि यहां से भी ये पॉलिटी का एक सवाल है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, गूगल करके मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है। मैं यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप उसे जब गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल मिलेंगे, और वो आप आराम से डिस्कस कर पाएंगे और अपने एग्जाम के लिए उसे उपयोग में ला पाएंगे। तो एक रिट डाला गया है। किस कारण से रिट ये डाला गया कि सबसे पहले ये कहा सेकेंड रेस्पोंडेंट ने कि इलीगल एंड कंट्री टू लॉ, जो ये क्लैरिफिकेशन मतलब कि जो डिक्लेयर किया गया है, जो डिक्लेयर की गई है सब इंस्पेक्टर की, वो इलीगल है देश में चल रहे कानून के हिसाब से। साथ ही साथ साउथ सेंट्रल रेलवे का ये नोटिफिकेशन निकला था 1/6/2022 को, उसे भी इन लोगों ने, जिसमें 42 वैकेंसीज वहां की दिखाई गई है अंडर रूल 72 के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज इलीगल एंड अनजस्ट एंड कंसिक्वेंटली सेट असाइड द सेम। मतलब कि इसे इलीगल कह रहा है वो लोग, और कह रहा है कि इसे हटा दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। लेकिन फिर क्या लिखा है, डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू ईयर मार्क द वैकेंसीज व्हिच हैव बीन अराइजन ऑन और आफ्टर 15/7/2021
strictly in term of schedule 4 read with rule 25 of railway protection force rule 1987 as amended by railway protection force amendment rule 2021। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही है, रूल 25 आप पढ़िए इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 4 पढ़िए वो इंपॉर्टेंट है आरपीएफ रूल का, क्योंकि ये सारी चीजें चर्चा में आ गई है तो यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। तो हम आपको ये बताएं कि ये कह रहा है कि 15/7/2021 के बाद जो भी शेड्यूल 4 के तहत सब इंस्पेक्टर की सीटें घोषित की है, क्योंकि हमें एडवांस में 2023 तक की सीटें ली है, तो वो सारी चीजें जो ली गई है ये जो है नियम आपका ठीक नहीं है, उस ईयर मार्क को आप लोग ठीक करें। साथ ही साथ ये कहना चाह रहा है कि प्रमोशन अंडर रूल 71 मतलब कि पहले रूल 70 के तहत सब इंस्पेक्टर बने और उसके बाद ही रूल 72, ये 702 गलत हो गया है, यहाँ रूल 72 है उसके तहत जो है ये प्रमोशन किया जाए। तो ये सारी चीजें उनकी डिमांड है और उनका ये कहना है कि डायरेक्ट द प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ रूल 70 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज अमेंडेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 2021 इन टर्म्स ऑफ रूल 70 इंक्लूडिंग द कैंडिडेचर ऑफ द पिटिशनर ऑफ प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोटेक्शन फोर्स एग्जीक्यूटिव। तो ये कहा गया कि रूल 70 से जो कटौती करके सीटें निर्धारित की गई है वो जो है सही नहीं है, रूल 70 के तहत ही जो है प्रमोशन दिया जाए SIPF का। तो थोड़ा सा अगर देखें हम भावात्मक रूप से कहा जाए तो ये बातें ठीक है कि भाई रूल 70 के तहत ही प्रमोशन दिया जाए, जो लोग हैं रूल 70 के तहत उनको ज्यादा लोग प्रमोट हो पाएंगे, उसमें एज बार नहीं आएगा जो कि 45 इयर्स का यहाँ एज बार रखा है, कुछ लोगों के 45 ईयर इसी साल या अगले साल क्रॉस हो जा रहे हैं, नोटिफिकेशन से पहले क्रॉस हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा बहुत दुख लग रहा होगा कि मैं इस एग्जाम में बैठता तो मेरा भी डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो जाता और मेरा भी एक और प्रमोशन हो जाता, अगर मैं एएसआई बन चुका हूँ तो सब इंस्पेक्टर हो जाता, अगर एएसआई में फेल हो गया तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का डायरेक्ट मौका मिल जाता। ये सारे भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही है, उनका कहना भी जायज है, मैं उनके भावना को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जीवन में जब आपको आगे बढ़ना होता है तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। हमेशा से यह चलता आया है कि जब भी किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव करती है तो पुराने लोगों को इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता है और नए लोगों को फायदा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ये रूल 72 के तहत सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो रहे हैं इसमें पुराने लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं जिनका 12 साल सर्विस अभी पूरा हुआ है, जो 45 साल से नीचे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको ये फायदा मिलेगा। आखिर डिपार्टमेंट इस तरह के बदलाव करती क्यों है? अगर आप उसे ध्यान से सोचिए, अपने को पहले ना रख करके डिपार्टमेंट को पहले रख करके सोचे तो डिपार्टमेंट इस तरह के बदलाव इसलिए करती है ताकि उसे एक एक्सपीरियंस्ड बंदा मिले और जिसमें यंग है, एनर्जी है, ताकि हम उसको आगे प्रमोट करके बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बल की छवि को और ऊपर ले जा सकते हैं। बाकी पैरामिलिट्रीज में भी यही चीजें हैं, वहां पर भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं और वहां पर भी ये चीज देखी गई है कि पुराने लोगों को नुकसान होता है, नए लोगों को फायदा होता है। तो इन चीजों को लेकर के अब कोर्ट निर्धारित करती है कि क्या उनके रिट का, उनकी याचिका पर क्या सुनवाई करती है, वो अपने मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार को मांग सकते हैं, उसके लिए वो लोग कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट क्या डिसीजन देती है उसके बारे में, अभी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो है, कोर्ट का ऑर्डर ये आया है कि देयर शैल बी स्टेटस को ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पोस्ट ऑन 14/7। तो अभी कोर्ट ने जो है 14/7 की हियरिंग जो है वहां होगी और 14/7 के हियरिंग के बाद ही, अभी तक स्टेटस को रख दिया गया है, मतलब स्थिर रख दिया गया है उसे इस चीजों को। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है, 14/7 को कोर्ट सुनवाई करती है, उसमें क्या कुछ फैसला आएगा उसके ऊपर निर्भर करता है। अब मेरे तरफ से मैं अपने जो भी चीजें हैं पढ़ने के बाद और जानकारी लेने के बाद ये बताऊं कि थोड़ा सा एग्जाम में डिले हो सकता है, बट एग्जाम हमारे हिसाब से पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास यह अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास यह अधिकार है कि वह चीजों में बदलाव करे, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अच्छे तरीके से वो सारी चीजें करे जो इनको लगता है कि हाँ इससे बल हमारा अधिक दिनों तक अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी चीजों को लेकर के कार्य किया जाएगा।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये वैकेंसी का क्रिएशन कैसे हुआ है, रूल में जो अमेंडमेंट हुआ वो कहाँ कैसे किस प्रकार से अमेंडमेंट करके इसे निर्धारित किया गया। तो ओल्ड रूल में अगर देखें शेड्यूल 4 में, जहाँ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस के बारे में बताया गया है, इसमें आप यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सॉरी तीसरे नंबर पॉइंट पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट था, जिसमें था बाय प्रमोशन अंडर रूल 17 और फेलिंग विच बाय डेपुटेशन। तो यहाँ पर लिखा था कि सब इंस्पेक्टर एक्सक्यूटिव जो है उसके लिए क्या नियम होगा, तो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर रूल 49, इसमें 50%, मतलब 50% जो भर्तियां है वो नियम 49 में जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आते हैं उसके तहत 50% वैकेंसी हुई। साथ ही साथ ये कहा गया था कि अंडर रूल 70 के तहत 50% वैकेंसियां होंगी। लेकिन ये पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम को जो है रिवाइव किया गया और नया सिस्टम लाया गया। नया सिस्टम 2021 में क्या लाया, 2021 में, ये हिंदी का है, इसके आगे मैंने अंग्रेजी के भी स्लाइड रखे हैं इसलिए इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान से उसे के लिए भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। उपनिरीक्षक कार्यपालक का है, समय समय पर यथाविनिश्चित चयन किया जाएगा। नियम 49 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती 50%, मतलब नियम 49 के तहत जो सीधी भर्ती 50% थी वो तो अभी भी 50% है, मतलब जितने भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जोनों में है उसकी 50% सीधी भर्ती आएगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो में आते हैं कि सर ओपन वैकेंसी कब आएगी, तो 50% सीटें जिसे कि ओपन वैकेंसी से ही लेना है तो इसका आना तो तय है, अब जब इस पर सरकार अमल कर ले। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ये नियम 70 के अनुसार जो है वो 50% को 30% कर दिया गया, ताकि जो सीनियरिटी कंसर्टेबिलिटी के अनुसार आएंगे, और यंग और इनर्जेटिक बंदों को लेने के लिए नियम 72 यहाँ पर लाया गया और उसमें 20% सीटों का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि नियम 70 के तहत जो प्रमोशन होगा उसके लिए आप ASI रैंक पर 5 वर्ष की नियमित सेवा करते हैं तो उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है। वही नियम 72 के लिए पात्रता क्या दी गई कि आप चाहे तो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या सहायक उप निरीक्षक हो, जिन्होंने बल के कार्यपालक संवर्ग में कुल 12 वर्ष प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि सहित मतलब ट्रेनिंग पीरियड को लेकर के कर रखा है, और आयु जो है नोटिफिकेशन के दिन की तारीख तक उनकी 45 वर्ष से अधिक 45 वर्ष से अधिक ना हो, इस तरह वो लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें 3 बार अवसर दिया जाएगा, मतलब आपको टोटल अटेम्प्ट 3 है, इसमें 3 बार अवसर में आप अगर बन जाते हैं तो आपके लिए गोल्डन चीज है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, इसी का इंग्लिश में स्लाइड है, इसमें ये सारी चीजें कहा गया कि 30% जो है 72 और 20% 72 के तहत होगा, और 72 रूल के तहत जो भी चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो अब ये देखिए कि ये डिस्कशन, ये अमेंडमेंट हुआ 2021 में और एक अच्छा मौका मिला यंग एनर्जेटिक बंदों को कि वो आगे आएंगे और इस बल की छवि को और ऊपर लेकर के जाएंगे। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में कि आखिर सिलेबस क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। एग्जाम का सिलेबस जो निकला है इसमें वो दिया है, क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट 80 क्वेश्चंस, 80 सवाल रहेंगे, एंड कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी जवाब देने हैं, और क्वेश्चन किस किस नेचर के होंगे, 8 क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल के, 10 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें कि आपको आपके एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, आपका करंट इवेंट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो डे टू डे आप ऑब्जर्व करते हैं, इसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ETC, तो ये सारे सवाल आपके पूछे जाएंगे, और इससे संबंधित वीडियो ज्वाइन बटन पर उपलब्ध है, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वहां ज्वाइन होकर के आप अपने GK की तैयारी वहां पर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, देखिएगा बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे अर्थमेटिक क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ETC। ये जितनी चीजें इसमें लिख दी गई हैं वो तो आपको पढ़ ही लेना है,
और ये ईटीसी एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। ये इसके बाद आपको जो भी चीजें लगता है डिपार्टमेंट पूछ लेगी, आप उसमें नकार नहीं सकते। तो 8 सवाल राजभाषा से, 10 सवाल जीके के, जीए से 10 सवाल आपको बेसिक मैथमेटिक्स। इसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं, तो बहुत ही अहम हो जाता है मैथ, रीजनिंग और जीके, जो कि इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, जिनके भी नंबर आएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें भी दे रखा है कि आपको विजुअलाइजेशन के बारे में, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोलिज्म रीजनिंग, इटीसी। ये सारी चीजें हैं, तो ये भी ज्वाइंट बटन पर सारी उपलब्ध है। यहाँ पर मैंने 3-4 चैप्टर रीजनिंग के वहां बता रखे हैं, जहां से कि सवाल आपके 100% आने की संभावना है, मेरी तरफ से वो 100% है और आशा करेंगे कि वहां से सवाल आएंगे। रिमेनिंग जो 42 क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप आरपीएफ एलडीसी के चैनल पर आइए, वहां पर 200 प्लस वीडियोस हैं, अब तो 250 वीडियो हो गए हैं। उस सारे वीडियोस को, जो पुराने वीडियो हैं, नए वीडियो हैं, जो भी चीजें वहां डाली गई हैं, 2020 सीरीज है और टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, आप उसको सुन लीजिए, तो ये 42 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी, आप वहां से आसानी से कवर कर पाएंगे। आईपीसी कवर किया हुआ है, सीआरपीसी कवर किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, आरपीयूपी, रेलवे एक्ट और माइनर एक्ट्स भी वहां पर किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के 100 सवाल किए हुए हैं, वहीं से सवाल पूछे भी गए हैं। जेजे एक्ट, ह्यूमन राइट्स, इन सारों को किया हुआ है। एनडीपीएस को मैंने करा रखा है, क्राइम ऑन रेलवे के ऑब्जेक्टिव सवाल करा रखे हैं, जियो के भी और ऑब्जेक्टिव सवाल किए जा चुके हैं, जिसमें कि आपको आरपीएफ एक्ट और आरपीएफ रूल के बहुत विस्तार से वीडियोस हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्टिव के तो महज 2 ही वीडियो हैं और उसी से सवाल आए भी हैं अभी तक एग्जाम में। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी सवाल मैंने लास्ट एग्जाम से पहले बनाया था और वहां से 4 सवाल डायरेक्टली हिट हुए थे। फायर फाइटिंग का भी हमारा ब्लॉग जो है rpflgc.com पे, वहाँ फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड से संबंधित एक वीडियो, सॉरी एक ब्लॉग लिखा हुआ है, जिससे कि सवाल हमेशा लड़ते हैं। एक्सप्लोसिव और आईडी के सवाल भी वहां पर हैं। राजभाषा से संबंधित 300 सवाल rpflgc.com पर दिया हुआ है, जो सब आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से वहां पर कर सकते हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल को मैंने कवर नहीं कराया है, जल्दी इस पर वीडियो आपको दिख जाएगा। कमर्शियल पे मैंने कोई वीडियो अभी तक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बनाया है, इस पर भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर जाऊंगा। आरएसएमएस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो आरएसएमएस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम से सवाल बहुत कम आते हैं, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था 2 बार। ISS क्या है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स, इसके बारे में वीडियोस नहीं आए हैं, तो इसको मुझे बनाना है आप लोगों के लिए। मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में क्या सवाल है, तो ऐसे सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके मैं चला हूँ। सोशल साइकोलॉजी से भी सवाल नहीं पूछे गए हैं, सॉफ्ट स्किल और मैनेजमेंट से भी सवाल नहीं पूछे गए हैं, और जो भी अदर रिलेवेंट टॉपिक है उससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सिलेबस था, ये सारी चीजें इसमें थी। तो अब आपको सिलेबस संबंधित कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, आपको ये सिलेबस मिल गया है, बार बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आप इसे आसानी से रोज देखते रहिए, रोज देखिए, रोज देखिए, रोज देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस याद हो जाए। और जब पूरा सिलेबस याद हो जाएगा तो मैं आपको 99.9% गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि सवाल कैसे आएंगे। अभी तीसरा जो बिंदु है, सवाल किस प्रकार के आएंगे। तो अभी तक हम उधेड़बुन में है सभी लोग, क्योंकि पहली बार यह एग्जाम होगा और इस एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने पास ASI रूल 72 का जो विगत एग्जाम हुआ है उसे हम लोग बेस लेकर के चलेंगे और डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जल्दी आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि जीके के सवाल कैसे उसमें पूछे गए और आपको जीके संबंधी क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ताकि आप जनरल नॉलेज को कवर कर पाए और 10 में मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें और अपना स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश करें। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी दुविधा चल रही थी वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको आपकी तैयारी के लिए रहना है। कभी भी एग्जाम हो सकता है, ये सोच के नहीं चलना है कि एग्जाम नहीं होगा, आपको ये सोच के चलना है कि एग्जाम जुलाई लास्ट में होगा
या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, इस हिसाब से आपको सोच करके तैयारी कर लेनी है और लड़ाई के मैदान के लिए हमेशा अपने को तैयार रखना है, ताकि जैसे ही मौका मिलेगा आप तुरंत उस एग्जाम में उतरेंगे और अपना फतह हासिल करेंगे। चलिए इसी कामना के साथ कि आप भविष्य में सफल होंगे और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं थोड़ा योगदान मेरा होगा, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।